सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल एक था टाइगर की रिलीज को 5 साल हो गए 2012 में। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में पहुंची थी और इस फिल्म के जरिए सलमान पहली बार पर्दे पर स्पाई एजेंट के किरदार में नजर आए थे। एक था टाइगर कई मायनों में यादगार फिल्म है, सिर्फ सलमान के लिए नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी। आइए एक नज़र डालते हैं एक था टाइगर से जुड़ी कुछ बातों पर जो इसे खास बनाती हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सलमान खान टाइगर के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। असल में डायरेक्टर कबीर खान ये कहानी लेकर पहले शाहरुख खान के पास गए थे, जिनसे उनकी पुरानी जान पहचान थी। शाहरुख को स्क्रिप्ट पसंद आई मगर डेट्स खाली न होने की वजह से किंग खान ने टाइगर बनने से मना कर दिया। इसके बाद कबीर ने सलमान को अप्रोच किया। पहली बार सलमान बने यशराज के टाइगर। सलमान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं और यशराज फिल्म्स हिंदी सिनेमा का लेजेंडरी प्रोडक्शन हाउस, फिर भी दोनों कभी साथ नहीं आए थे। फाइनली एक था टाइगर के जरिए सलमान की एंट्री यशराज कैंप में हुई। यशराज का टाइगर बनने के लिए नहीं बने सोहेल के शेर। इस फिल्म के लिए सलमान ने छोटे भाई सोहेल खान की फिल्म शेर खान को पोस्टपोन कर दिया था, जो आज भी पेंडिंग है। वैसे सलमान ने एक था टाइगर के लिए 32 करोड़ की बड़ी रकम बतौर फीस वसूली थी। शूटिंग के दौरान सलमान हुए बीमार। एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान सलमान खान बीमार पड़े थे। अमेरिका में ट्रिजेमिनल यूरेल्जिया बीमारी के लिए उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग कई दिन रुकी रही। एक्शन के लिए सलमान ने की डर्टी रनिंग। फिल्म में जबरदस्त एक्शन था, जिसे कोरियोग्राफ करने के लिए द बोर्न आइडेंटिटी के एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया गया था। सलमान को एक्शन करने से पहले 30 दिन तक डर्टी रनिंग नाम की एक्शन ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। कटरीना कैफ का पहला एक्शन रोल। फिल्म में उनके साथ कटरीना कैफ को फीमेल लीड के लिए कास्ट किया गया, जिनकी सलमान के साथ ये चौथी फिल्म थी। एक था टाइगर में कटरीना कैफ पाकिस्तानी एजेंट के रोल में थी। पहली बार उन्होंने इस फिल्म के लिए पर्दे पर एक्शन किया था। कटरीना नो मेकअप अवतार में नजर आई थी। सबसे अधिक देखा गया ट्रेलर फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। 2 दिन के भीतर इसने 10 लाख व्यूज हासिल किए थे, जिसके साथ ये सबसे अधिक देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया। सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड। फिल्म ने 32 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जितनी सलमान ने फीस ली थी। इससे पहले ये ओपनिंग किसी इंडियन फिल्म को नहीं मिली थी। फिल्म ने रिलीज के 5 दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी। 198 करोड़ का कलेक्शन करके फिल्म सुपर हिट रही थी। एक था टाइगर का सीक्वल टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर को इसी साल रिलीज हो रहा है। फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि कटरीना कैफ सलमान संग रीयूनाइट हो रही हैं।